Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expos India. उत्तर प्रदेश के इटावा में राशन डीलर पर इलाके की महिलाओं ने धांधली का आरोप लगाया है। भरतपुर में महिलाओं का कहना है कि राशन डीलर जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं देता। डीलर ने ऐसे लोगों के भी राशन कार्ड बना दिए हैं जो पक्की इमारतों में रहते हैं और जिनके पास 20-20 बीघा जमीन है। यही नहीं, पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं। अचानक नाम हटने से परेशान महिलाओं ने जब अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तहसील पहुंची इन महिलाओं ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी शिकायतों का निराकरण होगा। राशन कार्ड नहीं मिलता है तो जो 20-20 बीघा खेती है उनके पास राशन कार्ड है और गरीब लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। शिकायत करने आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे ले रहे। डीएम साहब ने क्या कहा? अरे डीएम साहब से कहे नहीं, अभी जा रहे। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।